सभी मित्रों को नमस्कार। आज हमारे देश के जाने माने चित्रकार, लेखक और कला मर्मज्ञ गुलाम मोहम्मद शेख जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर हम सभी की ओर से उन्हें अनंत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, इस अवसर पर हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से उन पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं और आज इस एकाग्र की 8वीं कड़ी में हमारे साथ हम सबके प्रिय लेखक अशोक वाजपेयी जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मित्रों, अशोक वाजपेयी जी साहित्य, कला, संस्कृति आदि तमाम अनुशासनों में जिस रुचि के साथ काम करते आ रहे हैं वह अपने आप में हमेशा ही उल्लेखनीय है और कहीं ना कहीं हम सभी उन कामों से एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख जी के साथ इनका संबंध बेहद सुदीर्घ है, मगर जैसा कि आप सभी जानते हैं, अशोक जी अमूमन निजी प्रसंगों को साझा करने से बचते हैं, तो आज भी इस कार्यक्रम में अशोक जी गुलाम मोहम्मद शेख जी के तीन पक्षों पर खास तौर से बातचीत करेंगे। उनके लेखक का पक्ष, उनके चित्रकार का पक्ष और उनके विचारक का पक्ष। आज का यह संवाद बेहद महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और ज्ञानवर्धक है कि हम हमारे समय के एक विचारशील लेखक को सुनेंगे एक दूसरे कला मर्मज्ञ के बारे में। तो आइए मित्रों, अशोक जी से निवेदन करते हैं कि वे कृपया इस विषय पर अपना संवाद, अपना वक्तव्य आरंभ करें। आदरणीय अशोक वाजपेयी जी। मित्रों नमस्कार। आज गुलाम मोहम्मद शेख 85 वर्ष के हो रहे हैं और सारा भारतीय कला जगत इस अवसर पर उनको बधाई देता है। इस समय वो हमारे कलाकार मूर्धन्यों में से एक हैं। सिर्फ वय की दृष्टि से नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के आधार पर गुलाम मोहम्मद शेख में एक तरह से एक में तीन हैं, यानी तीन गुलाम मोहम्मद शेख हैं। एक तो चित्रकार, दूसरे कवि लेखक और तीसरे कला के बारे में गहराई से सोचने वाले व्यक्ति। और मैं इन तीनों पक्षों के बारे में जो मेरी समझ है उसके अनुसार कुछ कहूंगा। पहली बात तो ये कि गुलाम शेख ने अपनी अपनी कला में अमूर्तन से शुरू कर मूर्त विपुलता तक की यात्रा तय की। उनके आरंभ के चित्रों में एक तरह का अमूर्तन है, हालांकि उसमें आप कुछ कुछ आकृतियां भी पहचान सकते हैं, वृक्ष की या घोड़े की या कुछ इस तरह की, लेकिन धीरे धीरे वो उस संसार की ओर मुड़ते गए हैं जो हमारे आसपास है, जो इतना विपुल है और जो इतना अदम्य भी है।
गुलाम शेख की चित्रकला के में एक तरफ बेहद बारीकी है, वो बारीकी उनको ऐसे ब्योरों में ले जाती है जो ब्योरे कई बार साधारण आंख से अलक्षित रहते हैं। तो एक ओर विपुलता है, दूसरी ओर बारीकी है, और तीसरी ओर इस खूंखार भयावह हिंसक समय में फिर भी बची हुई जिजीविषा है, और इनसे उनकी कला का वितान तय होता है। उनके ऐसे कई चित्र हैं जिनमें आप पाएंगे कि लोग अपने अपने घरों में महदूद हैं या बंद हैं, और ये समय लगता है कि जैसे बड़ा डरावना सा समय है जिसमें ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी उनमें से अधिकांश अपने सामान्य जीवन को बिताने में व्यस्त है। असाधारण समय में भी, जो कि निश्चय ही हमारा है, साधारण को लक्षित करना, उसकी अदम्यता को लक्षित करना एक कला मूल्य जैसा है, कम से कम शेख साहब के यहां। इन चित्रों में वो जो जीवन प्रकट होता है, वो जीवन एक तरह का अदम्य जीवन है, और अबाध जीवन है, और अटूट जीवन है, और उसको तरह तरह की बारीकियों में गुलाम शेख पकड़ते और चित्रित करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जिन घरों को, जिन लोगों को उन्होंने चित्रित किया है, जिन जगहों को उन्होंने चित्रित किया है, शायद अब वो वैसी बची नहीं होंगी या बची नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो रची गई हैं, कम से कम इन चित्रों में रची गई हैं, तो बची भी होंगी। आप याद करें, श्रीकांत वर्मा की एक पंक्ति थी, जो बचेगा कैसे रचेगा। वो तो कवि के बारे में थी कि जो कवि अपने को बचाने की कोशिश करेगा, अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश करेगा, वो रच कैसे सकता है। गुलाम शेख हमारे सौभाग्य से एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी चमड़ी बचाने की चेष्टा नहीं की, अपना अंतःकरण और अपनी आत्मा बचाने की चेष्टा कोशिश की है, और इसीलिए एक ऐसा वितान रचा है अपनी चित्रकला में जो इस पचे रहने की के भाव को पुष्ट करता है। तो उनके चित्रों के उत्तर काल में तो और ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिन्हें याद करना चाहिए। एक है कबीर को लेकर, और दूसरी है उनके गांधी को लेकर। और मैं समझता हूं कि एक गहरे अर्थ में, और सिर्फ गहरे अर्थ में ही नहीं, एक मार्मिक अर्थ में गुलाम शेख उत्तराधिकार के भी चित्रकार हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकार को बहुत
प्यार से और व्यथा से और जतन से संजोया है। इसकी सार्थकता तब समझ में आती है, इसकी प्रासंगिकता तब हम पर जाहिर होती है जब हम ध्यान दें कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें उत्तराधिकार को विकृत करने, नष्ट करने, दूषित करने, खंडित करने, अपदस्थ करने का लगभग एक सुनियोजित अभियान ही चल रहा है। ऐसे में एक कलाकार का कबीर के पास जाना, गांधी को याद करना, ये सिर्फ एक साधारण कार्रवाई नहीं है, इसके गहरे सांस्कृतिक आशय भी हैं। हमारा समय गांधी विरोधी भी है और कबीर विरोधी भी है, और दोनों जिस निर्भयता के प्रतीक हैं, दोनों एक अर्थ में हमें बताते हैं कि हमारे आसपास जो जीवन है, चाहे आप कबीर को याद करें तो उनके अधिकांश रूपक घरेलू जिंदगी से आए हुए, और गांधी को याद करें तो उनके रहने की जो शैली थी उसमें चीजों की इतनी किफायत थी, इतने कम चीजों से वो अपना काम चलाते थे। तो ये दोनों एक ऐसे समय में उनको याद किया जा रहा है जब हम एक तरह की आधिक्य से, एक तरह की बहुतायत से त्रस्त हैं। जरूरत से ज्यादा चीजें, जरूरत से ज्यादा चीख पुकार, जरूरत से ज्यादा झूठ, जरूरत से ज्यादा नफरत, घृणा, हिंसा, ये सब जरूरत से ज्यादा, और इनमें आपस में विचित्र गठबंधन। ऐसे में गुलाम शेख जैसा चित्रकार अगर कबीर को और याद करता है, चित्रित करता है, और गांधी को याद करता और चित्रित करता है, जैसा मैंने कहा, ये एक प्रतिरोध प्रतिरोध का रूपक गढ़ना है और अपने उत्तराधिकार को फिर उजला, नया और हमारे समय के लिए सच करना। कला इससे अधिक और कर क्या सकती है कि वो ऐसे समयों में जब याददाश्त पर हमला है, जब आपको लगातार भुलाने की घुट्टी सी पिलाई जा रही है, तब वो यह करे, याद दिलाए, याद रखे और याद को बचाए। मैं समझता हूं कि गुलाम मोहम्मद शेख की कला में ये बहुत सार्थक और स्मरणीय रूप से संभव हुआ है। हम सब जानते हैं, या कम से कम ज्यादातर लोग जानते होंगे, कि बरसों तक गुलाम शेख बड़ोदरा के प्रसिद्ध आर्ट्स फैकल्टी में अध्यापक थे, और उनके सिखाए और उनसे पढ़े बड़ी संख्या में छात्र हैं। पढ़ाते हुए और कला के बारे में गंभीरता से सोचते हुए उन्होंने एक तरह से कलाकृतियों के माध्यम से, कला के इतिहास के जरिए कला पर मौलिक चिंतन किया है। हमारे यहाँ कई बड़े कलाकार हैं,
लेकिन उनमें से बहुत कम ने चिंतन भी किया। इधर उधर कुछ टिप्पणी कर दी हो वो बात और है, पर ज्यादातर अपने कलाकर्म में ही इतने व्यस्त रहे हैं और उचित ही रहे हैं कि उन्होंने अलग से कला पर विचार नहीं किया। गुलाम शेख इसलिए अपवाद हैं। और उनकी गुजराती में जो पुस्तक कला चिंतन की पुस्तक प्रकाशित हुई, उसका हिंदी अनुवाद हाल ही में हमने प्रकाशित किया है रजा पुस्तक माला के अंतर्गत, निरखे वही नजर। देखना और निरखना, ये दो क्रियाएं हैं। निरखना तो अब धीरे धीरे हमारी क्रियापदों की सूची से गायब ही हो गया है, लेकिन अभी हाल ही तक वो था, मैथिली क्षण गुप्त ने निरख सखी फिर अंजन आए, ऐसी कोई पंक्ति है उनके यहाँ। पर बहरहाल ये जो निरखती नजर है, इसके कुछ हिस्से जो मुझे इस एक प्रयोग के लिए आवश्यक लगे, भावक की दृष्टि से किसी काल्पनिक क्षितिज पर विलीन नहीं होती तूरी। छोटी बड़ी आकृतियों को परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार नहीं बनाया गया है, इसलिए सब कुछ दीवार की सतह के बाहर गति करता हुआ लगता है। अगर कोई आकृति बिल्कुल सम्मुख न हो तो भावक को उसे पाने के लिए उद्यम करना पड़ता है। ऐसे तो पूजा मूर्तियों में देव दृष्टि भावक की आंख को सीधे बीनती है, जबकि अवलोकितेश्वर और पद्म पाणि के मुख भाव और दृष्टि अंतर्मुखी हैं। सैकड़ों मनुष्याकृतियों से खचित विहार का अवकाश स्थूल अर्थ में भीड़ को सादृश्य करता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसमें समग्र संसार की जीवन लीला को आलेखित करने का ही उपक्रम है। ये जो अजंता की चित्रावली पर टिप्पणी है, आप देखें कि इसमें जीवन लीला को चित्रित करने का जो अभिप्राय है, वो स्वयं गुलाम मोहम्मद शेख पर लागू होता है। पर वो आगे कहते हैं, कला धर्मादेश के अनुसार संसार को माया रूप में चित्रित करते हुए उसे साक्षात भी करती, उसी में उसकी जटिलता भी निहित है। यहाँ मनुष्याकृतियों से लेकर प्रासादों, मंडल, गवाक्ष, जंगल की चट्टाने, पेड़, सब कुछ मानो आंखों से छू सकें ऐसा चित्रित हुआ है। जैसा कि रिचर्ड लेनॉय ने कहा है, कलाकार ने अंधेरे कमरे में टिमटिमाते दिए की ज्योति का अनुसरण करते हुए दीवार को मनुष्य के शरीर के नाप से आलोकित कर दिया है, जिससे भावक चित्र सृष्टि की को मात्र आंख से नहीं समग्र देह से चलकर ही पा सकता है। अब अजंता पर मैंने काफी पढ़ा है, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि किसी ने उसमें जो चित्रों के आपस में अनुपात हैं और जैसी उनकी उनका तारतम्य है, उसके बारे में इतनी गहरी बात कही हो जैसे गुलाम शेख ने कही। बहरहाल मुझे याद आता है, बरसों पहले गुलाम शेख ने एक निबंध लिखा था जिसमें कहा
कम से कम मुझे पहली बार ये पता चला कि जिसे हम मुगल शैली कहते हैं वो अकबर के दरबार में विकसित हुई थी, और उसके विकसित होने का पहला कारण ये था कि अकबर ने वाल्मीकि रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था, और उन दिनों तो पांडुलिपियां ही होती थी, पुस्तकें छपकर तो शाया होती नहीं थी, तो उन उस पांडुलिपि को, उस अनुवाद की पांडुलिपि को अलंकृत करने की योजना हुई। जाहिर है कि वो राज्य द्वारा पोषित समर्थित अनुवाद था, तो कलाकार बुलाए गए कश्मीर से, राजस्थान से, ग्वालियर से। अब वो तो अपनी अपनी स्थानीय शैलियां लेकर आए, लेकिन सबने बैठकर एक सामूहिक शैली विकसित की, और वो सामूहिक शैली मुगल शैली कहलाई। अब हम में से कितनों को ये पता है कि मुगल शैली का प्रादुर्भाव वाल्मीकि रामायण के फारसी अनुवाद के लिए हुआ था? मुगल शैली पर गुलाम शेख ने लिखा है विस्तार से, लेकिन मैं उसका एक अंश पढ़ता हूं। अकबर के काल में यथार्थ या प्राकृतिक चित्रकारी की शुरुआत हुई, तब उसमें यथार्थ का विनियोग भी एक नए नुस्खे के रूप में आजमाया गया था। इस विलक्षण प्रकृतिवाद में रंग और अवकाश की पारंपरिक लीला के अनुरूप परिमाण प्रकट हुए, जिसके कारण बाद की राजस्थानी, आमेर, बूंदी, बीकानेर और पहाड़ों की गुलेर, नूरपुर और कांगड़ा में भी ऐसा प्रकृतिवाद खिला। यह प्रकृतिवाद दिखाई देने वाली दुनिया का भ्रम पैदा कर सकने वाले पश्चिम के भ्रमवाद से अलग तरह का था, और उसमें गैर यथार्थवादी दर्शनों को शामिल करने की क्षमता थी। कथा कर्म के विशाल फलक पर जो नई जीवन दृष्टि खुली, उसमें जड़ मूल से परिवर्तन करने का और यथार्थ के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के अलावा नई नई चित्र रीतियों को भी समाहित करने का उपक्रम उभर आया। पहले यथार्थ की सीमा में रहकर जो कुछ कहा जाता था, वह सब अब एक विशिष्ट प्रकार के देशीय प्रगतिवाद में जीवंत रह पाया। मैं समझता हूं कि ये हमको बहुत सारी चीजों पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित करने वाली वाला चिंतन है। विनोद बिहारी मुखर्जी ने जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में चित्रावली बनाई है, जिसमें संत शामिल है, उस पर एक निबंध है, उसमें से एक टिप्पणी आप देखें। उत्तर में तीसरी लंबी दीवार अंधकवि सूरदास से शुरू होती, संत का स्तंभ स्वरूप परिवेश की दीवारों की रेखाओं में घुल जाता है और प्रकट होता है। संगीत से भरे हुए वातावरण में तंबूरे के साथ एक बाल शिष्य सूरदास को रास्ता दिखाता है, और नीचे तीन संगतकारों में से एक के मुख से मानो गीत फूट पड़ा है। यह सुनकर रास्ते पर चले जा रहे यात्री थम जाते हैं। यहां फिर से एक माँ जरा बड़े हुए पुत्र के साथ तल्लीन भाव से, तन्मय नेत्र से, विस्मय और भक्ति पूर्वक संत की ओर घूमी हुई है। सूर भक्तों का वह प्रतीक हमें सूर संदेश की ओर खींचता है। अब ये सिर्फ उसका वर्णन नहीं है, ये एक कवि दृष्टि से ही
लगभग कवि दृष्टि से ही, या कहें तो कवि कलाकार दृष्टि से एक चित्र के आशय को समझना है। नसरीन मोहम्मदी जो हमारी एक मूर्धन्य कलाकार थी और अमूर्तन की लगभग शिखर ही थी, उनके देहावसान के बाद उन्होंने एक जो निबंध लिखा उसका अंतिम अंश ये है। वापस घर पहुंचकर समंदर के किनारे किनारे चलने निकले, सामने अंतहीन पानी का पट और दाएं छुरी की तरह घुपता हुआ जमीन का किनारा, दूर माया नगरी के जगमगाते मकान महालय, तट के निर्जन पट में भाटा के पानी की लंबी लंबी कत्थई और हल्की सफेद लकीरों वाली लहरों की नक्काशी। मैंने नीलू से कहा, नीलू वो अपनी पत्नी नीलिमा जी को कहती, मैंने नीलू से कहा, देख नसरीन रेती के रंगों से कुछ बना रही। बड़ौदा आई उसके पहले रंग फैलाकर चित्र बनाती थी कुछ वैसे ही, अब इस समंदर के टेढ़े पट के सामने के कोने पर सो रही। वहां से समंदर चाहे दिखाई न दे पर रुई के फाहे जैसी उड़ती उसकी रूह, ताड़ की कतारें और किनारे के बांध के पार जहां समुद्र रेत को छू रहा है लकीरें खींचती हो। ये एक समवर्ती मित्र कलाकार पर शोकांजलि भर नहीं, ये उसके कला के अभिप्राय को और उसके जीवन मर्म को भी प्रकट करना है। उनसे एक बातचीत है, जिसमें एक सवाल पूछा जा रहा है बाबरी मस्जिद के ध्वंस को लेकर, तो उसका उत्तर शेख यों देते हैं। भय तो हम पर छापा मारने के लिए तैयार ही बैठा है, ये डर आता कहां से? ऐसे कारक कि जिसकी जिसकी हुकूमत चलती है वे कौमों में खलबली मचा सकते हैं, और यह कोई मात्र व्यक्तिगत अनुभव की ही बात नहीं है, ज्यादा व्यापक स्तर का अनुभव है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि ये जो आक्रमण हो रहे हैं ये मात्र अल्पसंख्यक पर नहीं है, यह तो स्वतंत्रता पर आक्रमण है। जो मुक्ति पर विश्वास रखता हो ऐसे हर मंतव्य पर हमला है। इस दृष्टि से अयोध्या या अमृतसर अल्पसंख्यकों के प्रश्न नहीं, ये हमारी सबकी समस्याएं, उनका हमारे साथ संबंध है। आज के अल्पसंख्यक समुदाय धर्म पर आधारित है, और जब जीवन में भय बैठ गया हो तो हम काफी कुछ कहना या करना टाल देते हैं, ऐसा काफी कुछ जो सुसंगत है वो बाहर नहीं आता। आखिर में हम कुछ नहीं करते या कुछ करने का उद्देश्य भी नहीं रखते, क्योंकि भय ऐसा मन में बैठ गया है कि हम ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नहीं करते। इसके बावजूद बोलना तो चाहिए, बार बार कहते रहना चाहिए, जो भी कोई युक्ति प्रयुक्ति हाथ लगे उसका उपयोग करते हुए ऐसा करते रहना चाहिए। कलाकारों की और स्वतंत्रता प्रेमियों की जिम्मेदारी पहले कभी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी आज है। जो कहना कहना है वो कह देना, किसी के या किसी चीज के विरुद्ध नहीं, लेकिन हम जो मानते हैं उसे कह देना उत्तरोत्तर ज्यादा से ज्यादा कठिन होता जा रहा है। हमारे समय के लिए, इस युग के लिए एक आदर्श मूर्ति की जरूरत है,
मेरा मानना है कि कबीर एक ऐसे आदर्श हैं, कबीर को चित्रित करने के मेरे उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है एक आदर्श को, एक नायक को प्रस्तुत करने का। अभी हमारे पास हैं ऐसे सरल सपाट नायक नहीं। तो आप देखें कि वो एक विचारशील कलाकार भी है और उसको अपने विचार को वो तरह तरह की तहों पर और सतहों पर उनका चित्रकार रूप कुछ इस कदर मशहूर हो गया और इतना फैल गया कि उनके कवि रूप और उनके लेखक रूप को उसने ढक सा लिया। अभी हाल में मुझे हिंदी अनुवाद में उनके बचपन और लड़कपन और कुछ के संस्मरणों की एक पुस्तक घर जाते मिली, जो अभी प्रकाशित हिंदी में नहीं हुई, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद शेख साहब ने मुझे भेजा और हम उसको जल्दी ही प्रकाशित करेंगे। तो उसमें जो अपने बचपन की, अपने आसपास की, अपने भाई, अपनी माँ, अपने पिता, अपने दोस्तों, उनकी जो छवियां और जो बारीकियां हैं, वो उन्होंने अपनी स्मृतियों की, जैसे इसमें एक एक बड़ा रूपक है गुदड़ी, तो वैसे गुदड़ी जैसी बना दी। मैं उसके कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूं और देखें कि वो कितना मार्मिक गद्य है। आज जब मैं पैगंबर की स्वर्ण स्वर्ग यात्रा का ईरानी चित्र देखता हूं, तब उनके हरे लिबास के पीछे की सुनहरी ज्वालाओं का पुंज बचपन में देखी गई धुएं की लहर की ओर खींच जाता है। नेपाल के वज्रयान संप्रदाय के संवर देव के सैकड़ों हाथ देखते हुए बचपन में गोल गोल घूमते जीवों की याद आती। रूसो के चित्र में कारी औरत के गले में लिपटा हुआ सांप और उसके पीछे की हरिताभ चांदनी देखकर, या पियरो देला फ्रांचेस्का के देवदूतों के खुले मुंह, या रानी शीबा की तैनाती में खड़ी दासियों के मुख पर की अवाचकता, बचपन के जीव झाड़ अंधेरा गंध में से उभरती आकृतियों की सगोत्र बन जाती। और आप सोचें कि ये वीराने के जीव अध्याय से मैंने आपको अंश सुनाया। और ये बहुत पहले के लिखे हुए हैं। ये मसलन मैं जो पढ़ने जा रहा हूं वो जनवरी 1978 में लिखा गया है और माँ पर है। और उसका ये जो अंतिम दो पैराग्राफ हैं, बस में ध्रांगदा जाता हूं तब भी धूप वैसी ही चिलचिलाती रहती है, शाम को लौटता हूं तब सूरज अपने ठौर पर जाने की तैयारी में है, बहन और मैं बस में बैठे हैं तभी अचानक मेरे मन में माँ की रटन जागती है। बाहर जोरों से चलती तेज हवा में धूल उड़ती है, धूल के बवंडर में धूप कुछ कमजोर पड़ती जाती है और बीच में मंजे हुए पीतल के घड़े जैसे सूरज की कोर दिख जाती है। बस सरपट दौड़ रही है, उसमें शाम की चिड़ियों की आवाजें घुल जाती हैं, बीच बीच में आते नीम की डालियां और हरे पत्तों का तनमनापन आंधी और धूल में मिलकर किसी अनिवार्य क्षण का संकेत देते हैं। बुझती शाम में अभी ईंधन की लपट और चिंगारियां हैं, आकाश की निथरती सतह पर सलेटी कण चिपके हैं, रास्ते की लाल मिट्टी अब जलकर काली होने को है। मैं और बहन मानो सरपट भागती बस में बैठकर कहीं भाग रहे हों, ऐसा लगता है। गांव आने पर बस खड़ी रहती है और वहां से
दिखाई पड़ते एक घर की रसोई में ईंधन जल रहा है। हम पैदल घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही माँ की रटन सुनता हूँ। ब्यालू करके रात को छत पर बिस्तर पर लेटता हूँ। खटिया पर नीम का बौर बिखरा है। करवट बदलते हुए बेटी समीरा और बेटे कबीर के बारे में सोचने लगता हूँ। तब नीम हवा में हिलता हुआ है। ताप कम हुआ है। आधी अधूरी ठंडक है। धूप और विचारों से पका हुआ मेरा दिमाग निम्बोरी की तरह झूल रहा है। नीचे माँ रख रही है किस जालम के पाप। एक और अंश जो जो उनकी उस अध्याय का हिस्सा है जिसका शीर्षक मेरा ख्याल है गुदड़ी है। हाँ और इसमें हिंदी अनुवाद में भी एक अजब किस्म की छटा पैदा हो जाती है। उस रात गुदड़ी गैबी हो गई। पैर रखते ही पाताल खुल गए। छूते ही अवकाश के अर्गल उधड़ गए। टाके टाके में टंकार उठी। हवा में हवेलियां फूटने लगी। अटारियां उगने लगी। करवट बदलता हूं तो खाट बीच समंदर में। सीधा सोता हूं तो हथेली में आसमान। और पेट के बल हाथ पैर पसारूं तो बाहों में ब्रह्मांड। चीथड़ों की गुदड़िया का खट्टा मीठा खेल। अंग छुए उन सलवटों में गर्मी छूटे। झालर की कोर कोर में ठंडक लहराए। आंखों ढली न ढली के सांप का संचार हुआ। अंधेरे में आंधी आ गई। सिलाई के धागे तन गए। सांस के साथ साथ सलवटें सुलगी और घमासान मच गया। देखते ही देखते चुन्नी का एक टुकड़ा चंदोबा बन गया। पत्तून का कपड़ा पहाड़ धान पर खिंच गया। पायजामे के लीरे भगोवा के पट पर खिंच गए। इतना इतना उड़ा कि कौन सा टुकड़ा कहाँ गया कुछ पता नहीं। पर एक एक टुकड़े से टूटी हुई दुनिया इकट्ठी हुई और दनदनाई और उधड़ी थलाई से तीर छूटे। उस कदर खाट उथल कर उछली। ये कौन सी मानुष मत्थी घोड़ी ने सिर घुमाया। कौन सी पंखदार मछली ने बाहों में लिया। ये जैसे ही सवार हुआ देश वेश पलट गए। पल भर को सर्कस के झूले पर तो पल भर में मेरी गो राउंड पर चकडोल में या फिर गोल गोल फिरते चक्कर में दिखती दुनिया की फिल्में। फिल्म चारों तरफ चलती लगी। पूर्व का पश्चिम में दाएं का बाएं ऊपर का नीचे धस आता और नीचे का वो गया वो गया वो गया। एक तरफ चलता सीन आगे चलता तो दूसरा पीछे। दोनों काल की धुरी पर दौड़ती घोड़ी जितना आगे बढ़ती उतना ही पीछे जाती। तो गुलाम शेख जैसा मैंने कहा था एक में तीन है। वो चित्रकार हैं, एक विचारशील चित्रकार हैं। हिंदी में इस तरह की शब्दावली प्रचलित है उसमें कह सकते हैं कि वो प्रतिबद्ध चित्रकार हैं। उनको समाज की चिंता है, उनको देश की चिंता है। वो कला चिंतक हैं, कला को गहराई से निरखते हैं और उसका स्वाद हम तक पहुंचाते हैं। और तीसरा वो लेखक हैं, गद्यकार हैं। आप देखें कि जिस तरह की सूक्ष्मताएं और ब्यौरे उन्होंने अपने बचपन जमा किए हैं उनसे पता चलता है कि इस तरह के ब्यौरों को जमा करने की उनकी जो मानसिकता है वो जीवन भर उनके साथ रही है। और उस मानसिकता का, इन ब्यौरों का उस जिजीविषा से गहरा संबंध है जो उनकी कविता में, उनके चित्रों में और उनके चिंतन में प्रकट होती। जिजीविषा जो अपने को नहीं बचाना चाहती लेकिन कुछ मूल्यवान, कुछ मानवीय, कुछ भंगुर, कुछ
ऐसा जो टूटने टूटने को है, जो बिखरने बिखरने को है, उसको बचाने की जिजीविषा, और इस बचाने को रचकर ही बचाने की चेष्टा। मैं समझता हूं कि ये एक बड़े कलाकार का की उपस्थिति का अर्थ यही है। धन्यवाद। जी शुक्रिया अशोक जी समय निकालने के लिए। और मित्रों अशोक जी के कार्यों का और इनके पठन मनन का इतना बड़ा रेंज है कि हम इन्हें हर विधा और अनुशासन में किसी न किसी विषय पर सुनना चाहते हैं, और वह सुनना कितना आवश्यक हो उठता है, कितना महत्वपूर्ण हो उठता है, और अंतर्दृष्टि से संपन्न किस तरह का होता है, इसे हम आज के इस वक्तव्य में भी महसूस कर सकते हैं। जब तब अशोक जी से अनुरोध करते रहते हैं, और हमारे लिए यह सुखद है कि वे अक्सर हाँ हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हमें कृतार्थ करते हैं। मित्रों अशोक जी का कॉलम कभी कभार हम लोग वर्षों से दशकों से पढ़ रहे हैं, उसके संकलनों से भी कई लोग गुजरे हैं। आज के इस वक्तव्य में भी इन्होंने कबीर पर जो पेंटिंग की श्रृंखला गुलाम मोहम्मद शेख जी ने बनाई उसकी चर्चा हुई, और वह कितनी महत्वपूर्ण है इसे हमने पूर्व के वक्ताओं की ओर से भी सुना। जब यह पेंटिंग श्रृंखला दिल्ली में प्रदर्शित हुई और अशोक जी उसे देखने गए, उसके बाद वे कभी कभार में इस पर एक नोट लिखते हैं। मुझे लगता है कि आज हम उस हिस्से को भी पढ़ लें। मैं एक बार उसे सुनाता हूं। अशोक जी लिखते हैं, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासे रहिए लाग, सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग। कबीर। ऊपर का दोहा उन कबीर बानियों में से एक है जिनसे हाल में चित्रकार कवि गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने नए चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है। उनकी एक प्रदर्शनी हाल ही में दिल्ली में देखने को मिली। शेख के यहां चित्रों में हमेशा ही कवि जनोचित बहुलता रही है। वहां बिंबों का एक घमासान सा होता है, वे कई स्तरों पर सक्रिय होते हैं। अपनी इस बिंब बहुलता का शेख ने इस नई चित्रावली में सुघर उपयोग किया है। सौभाग्य से पिछले दिनों कबीर को एक संदेश वाहक में घटाकर देखने से उनका साहित्य और अध्यात्म दोनों ही स्तरों पर जो सरलीकरण होता रहा है उससे ये चित्र बचे हुए हैं, बल्कि वे कबीर की जटिलता का पूरा सम्मान कर उनके लिए रूपंकर विकल्प खोजने की कठिन चेष्टा से उपजे हुए हैं। निर्गुण तत्व को रूपंकर सगुणता में बदलना कठिन काम है, हालांकि कबीर का निर्गुण रोजमर्रा की जिंदगी और क्रियाकलापों और आसपास के संसार में ऐसा रसा बसा है कि उसमें अद्भुत स्थानीयता और अपने तरह की सगुणता भी है। शेख ने इस सृजनात्मक अंतर्विरोध का भरपूर इस्तेमाल किया है। हमारे आसपास इन दिनों जिस तरह से सच को दबाने, रोकने, फूंकने, जलाने आदि की बातें आम हो रही हैं, उस तरह की दुनिया में कबीर जैसी दबंगई और बेबाकी कितनी आवश्यक है, शेख अपनी इस चित्रावली में स्पष्ट करते हैं। तो हम देखते हैं मित्रों कि किस तरह से अशोक वाजपेयी जी निरंतर गुलाम मोहम्मद शेख और कई अन्य चित्रकारों पर अपनी राय व्यक्त करते रहे हैं, और वह टिप्पणी
कितनी महत्वपूर्ण होती है इसे भी हम समझ सकते हैं। जाते जाते इस अवसर पर कुछ चित्रों की एक वीडियो फाइल देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और जिनसे गुजरना आवश्यक है। यह चित्र गुलाम मोहम्मद शेख जी का बनाया हुआ चित्र और कैसे इन चित्रों पर अशोक जी ने आज विचार किया और उसे कुछ सूत्रों में व्यक्त करने की कोशिश की, और यह एक बेहद ऐतिहासिक चित्र जिसमें अशोक वाजपेयी जी, गुलाम मोहम्मद शेख जी, रजा साहब, नीलिमा शेख जी उपस्थित हैं। तो मित्रों, यह पूरी आवाजाही और यह भाईचारा आज के समय के लिए एक बड़े संदेश का काम कहीं ना कहीं करता है। और एक और खास पेंटिंग गुलाम मोहम्मद शेख जी की, और जिस तरह से अशोक जी ने उनके चित्रकार के व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत किया, जब हम गुलाम मोहम्मद शेख जी के चित्रों की एक बड़ी श्रृंखला से गुजरते हैं तब उस परिवर्तन को भी सहज ही रेखांकित कर पाते हैं। और यह उसी अवसर का एक और चित्र, एक बेहद जीवंत चित्र, एक बेहद सजीव और ऐतिहासिक महत्व का चित्र। मित्रों, आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, यहाँ आपकी टिप्पणी मिली और यह कार्यक्रम इस तरह से सार्थक हो पाया, आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आदरणीय अशोक वाजपेयी जी का एक बार पुनः धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला और यह महत्वपूर्ण वक्तव्य संभव हो सका। शुक्रिया, शुभ रात्रि। और मित्रों, हम कुछ ही देर में गुलाम मोहम्मद शेख जी को सुनेंगे और उनकी कला यात्रा किस तरह की रही, उनकी लेखकीय यात्रा किस तरह से रही, इसे भी जानेंगे ठीक कुछ देर बाद 8:30 बजे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन्हें सुने और एक बड़ी शख्सियत को सुनते हुए, उससे गुजरते हुए, उसकी यात्रा को समझते हुए कहीं ना कहीं स्वयं भी प्रेरणा प्राप्त करें। शुक्रिया, कुछ देर में पुनः मिलते हैं।